सुबह के 7:15 हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेशी भाग है। 25 मीटर बैंड में 11905 किलोहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं को सुदर्शन सेवा का प्यार भरा नमस्कार। आज सोमवार है, वर्ष 2016 को जनवरी माह की 4 तारीख है। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेशी भाग है। हमारा सुबह का कार्यक्रम आरंभ होता है। कार्यक्रम पेश करने में आज हमें तकनीकी सहायता मिल रहा है मेरे सहयोगी सुधर्मन लुकवे। अब आपकी सेवा में आरंभ होता है श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेशी भाग है। सुबह के 7 बजे हैं। अब आपकी सेवा में आरंभ होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज स्वर्गीय संगीतकार राहुल देव बर्मन साहब की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि के रूप में हम आपको सुनाएंगे राहुल देव बर्मन जी के संगीत से सजे गाने। सबसे पहले उनके संगीत से बने हुए एक भक्ति गीत आप सुनिए, फिल्म अब्दुल्ला, लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद पक्षी। Yeah.
राहुल देव बोलन साहब ने संगीत देने के साथ साथ गाने भी गाए। अब हम उन्हीं का गाया हुआ एक गाना सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सनम तेरी कसम से। गीतकार है भूषण बावरा।
आशा भोसले की आवाज में गीतकार थे मजरूर सुल्तानपुरे। और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्रस्तुत है अगला गाना फिल्म कटीपतंग से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी
संगीत आप सुन रहे हैं श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के निदेशी भाग से। आज संगीत निर्देशक आरडी बोमन साहब की पुण्यतिथि पर उनके संगीत से बने हुए गाने आप श्रद्धांजलि स्वरूप सुन रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे सुल्तानपुरे।
गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। ये बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्यार का मौसम से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। किशोर कुमार की आवाज में गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। इस कार्यक्रम का आखिरी गाना अब प्रस्तुत है फिल्म अपना देश से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत का माफ कीजिए गीतकार है आनंद बख्श। Yeah!
नमस्कार श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। आज आप इस कार्यक्रम में स्वर्गीय संगीतकार राहुल देव बर्मन जी के याद में उनके संगीत से बने हुए गीत श्रद्धांजलि स्वरूप सुन रहे थे।